जिसने भी लिखा है ना, पर क्या खूब लिखा है कि एकता में शक्ति होती है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मधुमक्खी एक होती है तो उसे मारने का ख्याल आता है, और जब एक से कहीं ज्यादा होती है तो बस भागने का ख्याल आता है। तो मेरा नाम है ललित और मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। काफी समय पहले की बात है, तीन बैल आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना कोई भेदभाव के हर चीज एक दूसरे के साथ बांटते भी थे। एक शेर काफी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह शेर यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक ये तीनों एक दूसरे के साथ है ना, तब तक वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शेर बहुत ही ज्यादा चालाक था। शेर ने तीनों को अलग करने की एक चाल चली। उसने बैलों के बारे में अफवाह उड़ाना शुरू कर दी। अफवाह सुन सुनकर तीनों में गलतफहमी पैदा हो गई और धीरे धीरे वह एक दूसरे से झड़ने लगे। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब वह एक दूसरे से अलग भी हो गए। शेर के लिए बहुत ही अच्छा समय था और शेर ने इसका पूरा लाभ भी उठाया और एक एक करके तीनों को मार डाला और तीनों को खा गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब लिखा है कि शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, यदि अनेक छोटे छोटे व्यक्ति भी मिलकर उसका सामना करे तो उसको हरा देते हैं। छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ छप्पर भी मूसलाधार बरसती हुई वर्षा को रोक देता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि एकता में सबसे ज्यादा शक्ति है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनकर आपको एकता की शक्ति का महत्व समझ आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, और नए वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते ना फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।